जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रेफरेंस एलिमेंट के बारे में। रेफरेंस एलिमेंट्स में हम डिस्कस करेंगे रेफरेंस प्लेन, कि रेफरेंस प्लेन कैसे यूज़ कर सकते हो आप इसमें कैटिया में। और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था रेफरेंस पॉइंट एंड रेफरेंस लाइन कैसे क्रिएट किया जाता है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो फर्स्टली अभी हम यहाँ पर इसमें डिस्कस करेंगे रेफरेंस प्लेन। पहले हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो जैसे यहाँ पे ये रेफरेंस एलिमेंट्स में प्लेन पे हम क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ पर आएगा ये प्लेन डेफिनेशन का बॉक्स। तो यहाँ पर आएगा प्लेन टाइप ऑफसेट फ्रॉम प्लेन, किसी भी प्लेन से ऑफसेट लेना चाहते हो तब आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आ गया रेफरेंस। तो मैं अगर ये फ्रंट प्लेन के अबाउट रेफरेंस लेना चाहता हूँ तो वो ले सकता हूँ। तो यहाँ पर भी आ गया आपके पास वाई जेड प्लेन, और यहाँ पर आ गया डिस्टेंस ऑफसेट कितना लेना। तो जैसे यहाँ पर मैं 100 डाल देता हूँ, तो 100 mm क्या हो गया, ये ऑफसेट बन रहा है, मीन्स एक प्लेन क्रिएट हो रहा है। अगर इसको रिवर्स करना चाहते हो तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रेफरेंस प्लेन क्रिएट हो जाएगा। क्लियर, जिस भी प्लेन से आपको ऑफसेट चाहिए वो बन जाएगा। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर ओके पे क्लिक। तो ये हमारे पास क्रिएट हो गया रेफरेंस में प्लेन। नेक्स्ट, अब हम इसकी टाइप देखते हैं कौन सी है। नेक्स्ट जो है वो है पैरेलल थ्रू पॉइंट्स। अब हमें क्या करना है, प्लेन क्रिएट करना है रेफरेंस प्लेन, बट वो कैसे करना है जो क्या हो पैरेलल हो पॉइंट्स से। तो एक पहले हम पॉइंट्स क्रिएट करेंगे, या अगर आपके पास पहले से पॉइंट्स हैं उन्हीं पे हमें यूज उन्हीं की हेल्प से आपको ड्रॉ करना है एक रेफरेंस प्लेन, तब आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो अभी पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पॉइंट्स क्रिएट कर लेता हूँ, तो वो पॉइंट की हेल्प से करेंगे हम। क्लियर, तो एक यहाँ पर मैं ले लिया 120x, और y में वैल्यू डाल दी मैंने यहाँ पर 65, और z में वैल्यू डाल दी 78। कोई भी आप वैल्यू ले सकते हो, एक पॉइंट ले लिया मैंने, तो एक और ले लेता हूँ 135, और y में वैल्यू डाल दी मैंने 200, और z में वैल्यू डाल दी 12, और यहाँ पर मैंने कर दिया ओके। और इसके अलावा और भी कोई पॉइंट्स लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो। चलो मैं एक और पॉइंट्स ले लेता हूँ, एक यहाँ पे मैं वैल्यू डाल देता हूँ 200x में, वाई में यहाँ पर मैंने वैल्यू डाल दी 250, और जेड में यहाँ पे वैल्यू डाल दी मैंने 89, और इसको कर दिया मैंने ओके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, तीन प्ले पॉइंट्स क्रिएट हो चुके हैं, ये वाले नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पर अभी मैं क्लिक करता हूँ प्लेन पे रेफरेंस प्लेन, तो यहाँ पर आ गया पैरेलल थ्रू पॉइंट्स। जितने भी आपके पास पॉइंट्स हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हो रेफरेंस में। तो रेफरेंस लेना है ठीक है, अभी किसी भी पॉइंट्स की हेल्प से ले सकते हो, एक से ज़्यादा मैंने ड्रॉ कर दिया, अगर एक की ज़रूरत है एक भी ले सकते हो। तो कैसा चाहिए उस पॉइंट पे आपको, कैसा प्लेन चाहिए, फ्रंट प्लेन चाहिए, टॉप प्लेन जैसा चाहिए, या टॉप राइट प्लेन जैसा चाहिए। अगर मान लो मैं ये पॉइंट लेता हूँ और इस पे मुझे टॉप प्लेन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, पहले रेफरेंस लूंगा टॉप लाइन की, और यहाँ पे ये पॉइंट पे कर दूंगा क्लिक। तो बिल्कुल वैसे ही प्लेन बन गया। तो ऐसे क्रिएट कर सकते, तो दोबारा मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फिर वही आ गया पैरेलल थ्रू पॉइंट्स। अब मैं यहाँ पर फ्रंट प्लेन के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लेन क्रिएट करना चाहता हूँ, तो आप पहले क्या करोगे, फ्रंट प्लेन लोगे और जहाँ पर भी क्रिएट करना है उस पॉइंट को सिलेक्ट करोगे, तो वैसा ही आपके पास उधर प्लेन क्रिएट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, अब जो इसमें हमारे पास टाइप है वो एंगल नॉर्मल टू प्लेन। तो यहाँ पर एंगल आ रहा है, नॉर्मल टू प्लेन आ रहा है, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ अब आ गया रोटेशन एक्सिस। क्लियर, तो अभी अगर कहीं पे आपने एक्सिस क्रिएट करी हुई है तो वहाँ पे भी ले सकते हो। तो पहले मैं क्या करता हूँ, जैसे ये वाला प्लेन लिया, इधर कुछ मैं ड्रॉ कर देता हूँ। क्लियर, तो यहाँ पर आ रहा है ना ये इम्प्लिसिट, तो ये पार्ट और रीजन, इस पर हम ले लेते हैं प्रोजेक्शन पॉइंट आ रहा है, इंटरसेक्शन टू लाइन आ रहा है। क्लियर, 1 मिनट। तो यहाँ पर हम प्रोजेक्शन पॉइंट इसको यूज़ कर लेते हैं, तो हमारे पास एक्सिस यहाँ पर आ गई। क्लियर, तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कोई भी एक स्केच ड्रॉ कर लेता हूँ, ये मैंने एक स्केच ड्रॉ कर दिया, एग्जिट कर दिया। तो अब आपके पास ये एक्सिस भी नज़र आ रही है, इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ हल्का सा। अब हम इसमें यूज़ करते हैं
एंगल नॉर्मल टू प्लेन, तो मैं यहाँ पर क्रिएट करना चाहता हूँ इस प्लेन पे। तो रोटेशन एक्सिस आ रहा है किस एक्सिस के अबाउट, तो जैसे यहाँ पर मैं ये वी एक्सिस ले लेता हूँ रेफरेंस में, इस प्लेन को ले लेता हूँ। अब कितने डिग्री चाहिए, 35। तो ये देखो आपको नज़र आ रहा होगा इधर एक 35 डिग्री का एक प्लेन बन गया। तो अगर आप ज़्यादा करना चाहते हो, यहाँ पर मैंने 65 कर दिया, ये देखो उस एक्सिस के अबाउट क्या हो गया, वो रोटेट हो गया कितना, 65 डिग्री, और ओके कर दिया। तो ऐसे आप प्लेन कर सकते हो एंगल पे प्लेन क्रिएट करना चाहते हो, बट उसके लिए एक्सिस होनी चाहिए। तो एक्सिस हमने यहाँ से क्रिएट कर लिया, नहीं तो ये बाय डिफॉल्ट कहाँ पर पिक करेगा, ओरिजन पे पिक करेगा। नेक्स्ट जो अब हमारे पास इसमें है वो है थ्रू थ्री पॉइंट्स। थ्री पॉइंट्स की हेल्प से आपको यहाँ पे क्या क्रिएट करना है, एक प्लेन क्रिएट करना है, ठीक है। तो इसके लिए कहीं पे भी, जैसे तीन तो ये हो ही गए, अगर ओरिजन पे चाहिए, चलो हम इन तीनों का यूज़ कर लेते हैं थ्रू थ्री पॉइंट्स। तो यहाँ पर आ गया पॉइंट वन, एक पॉइंट लिया मैंने ये, अब आ गया पॉइंट टू और ये पॉइंट थ्री। अब इन तीनों की रेफरेंस में, जैसे जैसे हमारे पास प्लेन थे उन तीनों की रेफरेंस में हमारे पास एक न्यू प्लेन क्रिएट हो चुका है, क्लियर। तो ये भी हमारे पास गया रेफरेंस प्लेन। तो रेफरेंस प्लेन लेने के इतने सारे ये टाइप्स हैं भाई, इन सभी को आप रेफरेंस में ले सकते हो, पॉइंट्स को, एक्सिस को, जितना भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट है थ्रू टू लाइंस। अगर आपके पास कोई दो लाइंस हैं उनके हेल्प से अगर आपको प्लेन क्रिएट करना है रेफरेंस में, तो वो भी ले सकते हो। इसमें चलो मैं ये लाइन लेता हूँ, ये पॉइंट टू पॉइंट है, एक लाइन मैंने यहाँ पे क्रिएट कर ली, ओके कर दिया। फिर दोबारा लाइन पे गए, एक लाइन मैंने फिर ले ली। तो यहाँ पे मेरे पास ये दो लाइंस आ चुकी हैं। अब इन दोनों लाइंस को ही मैं आगे यूज़ कर सकता हूँ रेफरेंस प्लेन में। तो यहाँ पर मैंने लिया थ्रू टू लाइंस, एक लाइन ली है, दूसरी लाइन ली है, इन दोनों के बिटवीन जो भी आपके पास प्लेन जैसा बन रहा था वैसा आपके पास नज़र आएगा, ऐसा ही आपके पास एक प्लेन नज़र आ गया, क्लियर। तो ऐसे भी आप क्रिएट कर सकते हो रेफरेंस में प्लेन, बिल्कुल उसकी रेफरेंस में आया, क्लियर, ऐसे क्रिएट कर सकते हो रेफरेंस प्लेन को। और नेक्स्ट अब हम इसमें देखते हैं, नेक्स्ट जो इसमें आ रहा है हमारे पास थ्रू पॉइंट एंड लाइन। पॉइंट एंड लाइन को भी यूज कर सकते हो। तो चलो अभी मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट ले लेता हूँ ओरिजन पे, इसको मैं कर लेता हूँ 0, जीरो जीरो। तो एक मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया ओरिजन पे, रेफरेंस प्लेन में गए, यहाँ पर अब हम पिक करेंगे थ्रू पॉइंट एंड लाइन, क्लियर। तो जहाँ पे पॉइंट एंड लाइन बन रही होगी वहाँ पे ले सकते हो, बट इसमें अभी हम सिलेक्ट करते हैं, पॉइंट तो ये रहा बट लाइन इधर है ना, ठीक है। तो ऐसे आप ले सकते हो उसकी रेफरेंस में, और यहाँ पे हम कर देते हैं ओके। पॉइंट एंड लाइन को रेफरेंस मानते हुए जैसे भी वो एक्सिस पे थी, एंगल पे थी, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे एक बन गया प्लेन क्रिएट हो गया रेफरेंस में। तो इसके काफ़ी सारी टाइप्स हैं रेफरेंस प्लेन के, ये सभी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अब हमारे पास है थ्रू प्लेनर कर्व। अगर कोई आपके पास कर्व है उस पर अगर आपको चाहिए प्लेन, तो इसके लिए मैं करता हूँ, जैसे कि मैं पहले इसमें आइसोमेट्रिक व्यू करता हूँ, जूम आउट कर लिया मैंने, क्लियर। तो बीच में ये प्लेन आ रहा है, मैंने एक ये प्लेन लिया, पोजीशन स्केच लिया, ओके किया। यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ कर्व, तो इसके लिए मैं यहाँ पे स्प्लाइन को यूज करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने एक स्प्लाइन ले ली, यहाँ पर मैंने क्रिएट कर लिया एक स्प्लाइन। अब यहाँ पे क्या है, इसको कर्व में क्रिएट कर लेता हूँ मैं स्टार्ट शेप में, और यहाँ पर जनरेटिव शेप डिज़ाइन, इसको अभी मैं क्या करता हूँ सरफेस में कन्वर्ट करता हूँ। तो एक्सट्रूड सरफेस लिया, प्रोफाइल को सिलेक्ट किया, और यहाँ पर मैं वैल्यू डाल, जैसे 100 के डाल दी यहाँ पर मैंने वैल्यू। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पर अभी मैं दोबारा उसमें एंटर करूँगा जो हमारा था पार्ट डिज़ाइन, और इसमें हमारे पास ऑप्शन आ रही है रेफरेंस प्लेन की, इसमें हम पिक करते हैं थ्रू प्लेनर कर्व।
तो यहाँ पे कर्व लेंगे और यहाँ पर एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, तो उसके रेफरेंस में आपके पास एक प्लेन क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे मैंने एक ये एंड पॉइंट लिया, तो आपको एक यहाँ पे एक प्लेन नज़र आ जाएगा। ऐसे आप प्लेन ले सकते हो, या अगर आपने पॉइंट बीच में लिया जैसे हमने पहले किया था, कहीं पे भी पॉइंट्स ले लो और वहाँ पे आपको प्लेन चाहिए तो वो भी ले सकते हो। तो ऐसे आप इजीली रेफरेंस में प्लेन क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट अब हमारे पास है नॉर्मल टू कर्व। कर्व के नॉर्मल टू आप क्या ले सकते हो, प्लेन। तो यहाँ पर अभी हम कर्व सेलेक्ट करते हैं, तो जैसे कर्व मैंने ये सिलेक्ट करी और कोई भी एक पॉइंट पे चाहिए आपको, जैसे मुझे यहाँ पे चाहिए, तो उस कर्व के नॉर्मल टू आपके पास क्या आ जाएगा, एक प्लेन आ जाएगा रेफरेंस में। क्लियर? पहले ये देखो डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, ये कौन सा नॉर्मल टू और ये प्लेनर कर्व, प्लेनर कर्व का रेफरेंस प्लेन, तो दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट अब हमारे पास जो इसमें है वो है टेंजेंट टू सरफेस। सरफेस के टेंजेंशली आपके पास एक रेफरेंस प्लेन आ जाएगा। टेंजेंशली मीन्स टेंजेंट, तो सरफेस लेते हैं। सरफेस ली मैंने ये अब किसी एक पॉइंट पे, तो जैसे मैं एक ये पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे। अब देखो जैसे हमारे पास टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी थी ना हमने पहले रेफरेंस में, बिल्कुल वैसे ही ये टच करता हुआ हमारे पास एक प्लेन आ चुका है। इसको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये देखो, तो ये प्लेन क्रिएट हो चुका है, जैसे टेंजेंशली जा रहा है बिल्कुल इसके जैसे। अगर हम लाइन ड्रॉ कर दें तो ये कौन सा हमारे पास टेंजेंट प्लेन। क्लियर? तो ऐसे आप यूज कर सकते हो इसमें। रेफरेंस प्लेन में गए और अब हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है इक्वेशन। जैसे हम इक्वेशन को यूज करते हैं ना, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, तो ये उसी के अकॉर्डिंग है। अभी जैसे अगर यहाँ पे डी वन है और यहाँ पे मैंने 20 लिया हुआ, सी वन है, जैसे यहाँ पे मैं 50 कर देता हूँ, और यहाँ पर आ रहा है पॉइंट। अगर पॉइंट लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। इसको मैं जूम कर लेता हूँ, ये देखो, तो यहाँ पे ड्रॉ हो गया। अभी यहाँ पे वन किया हुआ मैंने, क्लियर, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं वैल्यू कर देता हूँ 25, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास रेफरेंस में प्लेन बन जाएगा। इक्वेशन कर्व का बहुत कम ही यूज होता है, अगर आप दोबारा इसे यूज करना चाहोगे, जैसे अभी यहाँ पे 25 लिया, या अगर मैं वैल्यू यहाँ पे 1 कर देता हूँ, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें फ्लक्चुएशन हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ और यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, कोई भी एक पॉइंट ले सकते हो, मैंने पॉइंट ले लिया ये, क्लियर। तो ये उसी के अकॉर्डिंग, ये इक्वेशन में जो भी हम वैल्यू डालेंगे ना ए एक्स बी, उसी के अकॉर्डिंग ये डी में ऐसे आपके पास वैल्यूज आनी चाहिए। क्लियर? तो ये ऐसे रेफरेंस में इक्वेशन ड्रिवन कर्व के हेल्प से आप इसमें प्लेन क्रिएट कर सकते हो। रेफरेंस में काफ़ी कम यूज होता है ये वाला। नेक्स्ट हमारे पास है मेन थ्रू पॉइंट्स। अगर आपके पास मल्टीपल पॉइंट्स हैं, उनकी जो मेन पोजीशन रहेगी वहाँ पर एक आपके पास क्रिएट हो जाएगा प्लेन। जैसे आपके पास काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं रेफरेंस में, उसकी जो मेन पोजीशन रहेगी वहाँ पर एक प्लेन क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, चलो मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, ये एक लिया, ये एक लिया, ये इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये अब ये चार पॉइंट्स ले लिए, इनके जो भी मेन पोजीशन बन रही है ये उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक रेफरेंस प्लेन बन गया। जो मेन पोजीशन रहेगी वैसे ही आपके पास एक रेफरेंस प्लेन क्रिएट हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसा आप इसमें यूज कर सकते हो रेफरेंस प्लेन्स। तो ये देखो आपको नजर आ रहा होगा, ये तो जो भी इसकी मेन पोजीशन रहेगी ना वहां पर बन जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा रेफरेंस प्लेन के बारे में, और इसकी मल्टीपल टाइप्स जितनी भी थी हमारे पास वो सभी हमने यूज करके देखी। क्लियर? तो आज की इस वीडियो में हमने रेफरेंस प्लेन के बारे में डिस्कस किया, जो रेफरेंस एलिमेंट्स का ही पार्ट है, और इसमें हमने कोई मोस्टली कोई 2D 3D मॉडल क्रिएट नहीं किया या स्केच ड्रॉ नहीं किया, सिंपली यूज़ करके देखा कि जो इसकी टाइप्स हैं वो आप कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो कैटिया में रेफरेंस प्लेन क्रिएट करने के लिए। तो ऐसे आप इसमें इजीली क्रिएट कर सकते हो, रेफरेंस ले सकते हो प्लेन्स का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।